तो मैच का हुआ देखना होगा। नंबर शाहिद रहमानी जाते हुए जाभी के लिए एक बार फिर होना है जहरता कोशिश करते हुए कि किसी तरह लाएंगे तब अभी तक अपनी कोशिश के काम बड़ा मुश्किल है इस फ्लाइट को रोकना, कोशिश करते हुए बड़े खूबसूरत मनाकर इतिहाद चौधरी मनोहर साहब हौसला अफजाई इतने महत्व बेहद मशहूर है। सुलेमान सल्लू वहीद मोबीन इनके काशों से ये मैच सजाया गया और पांच दिनों के बाद ये टूर्नामेंट आज अपने इख्तिताम में आ गया। धीरे-धीरे पीता है जो रसा तो मैं हमारी वहां से उन्हें तो क्या राखियां छीका है। एक बार वापसी के लिए लंबा सफर तय करना होगा। सर्वर इस वक्त हाथ लगे हैं जी
देख सकते हैं। जीशान शानी गुजर बेसिकली बचपन से ताल्लुक लोटक के पासी जात से जनाब का ताल्लुक बड़े खूबसूरत जनाब में लहर की गरीब जंग जारी है। इसको रोकना मुश्किल काम है लेकिन अभी तक नौजवान ने बड़े खूबसूरत कोशिश की हुई लहर के करीब है। एक बार फिर मौजूद है थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे या फिर देख रहे हैं हम इस खाली बात का क्या रहा है। पहुंची अली गुजर एक बार फिर पहुंची हुए हमला करने के लिए 217 के तहत क्रिकेट ग्राउंड में कबड्डी मेला आपने देखा है। मलिक अहमद अली औलाद किसी तारुक के मोहताज नहीं हरी जीरा की आप किसी रोड पर नजर डाले तो सी लोगों को रोजगार मिला ठंडे आबाद हो गए और बहुत से लोग हादसात से बच गए बहुत से ट्रांसपोर्ट को पैदा हुआ। ये तो है शाहरा इसके अलावा कितनी बारिश में नजर डाले 8 किलोमीटर के बाद आपको हॉस्पिटल मिलेगा और ये बहुत ही मैं कहता हूँ कुछ नसीब हो गए जिला लीला के पास ही अगर काम कर जाते हैं कुछ नसीब है आप लोग जहर एक बार फिर होना और कोशिश करते हुए कि अपनी टीम को कामयाबी के कोई कराया जाए टकरा मुकाबला दोनों जवानों के करना है। शुरू होने वाला है सदाम सुखिया ग्रामीण के लिहाज मशहूर है हमें वहां का पहली किताब कर लो क्यों हमें तो बेहतर कबड्डर पढ़ रहे हैं मेरे को नहीं है का कमेटी के दौरान रसीद इनामात की फरिश्त बना ले फिर लेट हो जाते हमारी बात कर रहा हूँ दोनों जवानों के दरमियान कोशिश कर रहे हैं इसी तरह कैंटीना जटी इस चूड़ा से निकला गया लेकिन क्लास की तरह की ये क्लास चलना आसान नहीं हुआ अभी तक ताली होने से इस दौरान के किसी तारीख के मोहताज नहीं हाजा इलाके में हमेशा आफाम और तकीर से लोगों के मसायलों को सुलझाने की कोशिश करते दिखाई देती है। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे एक फर्शनाज सियासी दोस्त समझे जाते हैं आमिर चीमा इस पॉइंट को जज करते हुए बचपन से जनाब का ताल्लुक है
बिल्कुल लाइन के करीब दोनों प्लेयर्स के दरमियान ये टाकरा सिग्नल देखना होगा। जनाब का ताल्लुक तसीम मंगेरा जिला बख्तर इस वक्त हमलावर रहमानी साहब इस वक्त मुश्किल में दिखलाई देते हुए मुश्किल है रहमानी की प्लेयर एक बार फिर कामयाब लौट रही। जिंदाबाद रहमानी जिंदाबाद। 70 एएमएल से जनाब का ताल्लुक कबड्डी मैच लहिया बख्तर शैकीन हजरात इससे महजूज होते हुए कुछ दिनों में जो तकलीर हुई है इंशाल्लाह वो फाइनल मैच दो दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा। डबल टच हो गए सफीर अली गुजर थोड़ा जोड़ में कामयाब है निशान और शादी तहसील जिला बख्तर चक नंबर 55 रोहतक से 4 किलोमीटर के दूर प्यारे से चक में यह आबाद है। बड़ा मजबूत शिकंजा डाला हुआ कोशिश करते हुए और देखते हैं दोबारा रास्ता रोक लिया आमने सामने है और अब इस ग्रिप में आ गया मुश्किल है वापसी का सफर। आमिर चीमा की विसल बच चुकी है दिखाई खिलाड़ी के हक में लिया बख्तर का यह मैच इकराम वीर की आईडी में आप लोग फेसबुक पर भी इसको सर्च यूट्यूब लाइव हम लाइव तो नहीं आएंगे ना। बड़ा मजबूत ग्रिप है इस ग्रिप से निकलना मुश्किल होगा कोशिश करते हुए और आखिरकार अपनी कोशिश में कामयाब रहे लिया के जवान। आज तो मेहमान खास किसी तारफ के मोहताज नहीं हमारे स्टेज को जीनत बख्शी हुई 217 चक के लोगों की दावत को कबूल किया तशरीफ लाए मसरूफियात से वक्त निकाला बेहद मशहूर है जनाब के मिसल बनिए मौसम सुहाना हल्के फुल्के बादल छाए हुए अच्छा मौका मिला था पकड़ने मुश्ताक जिगर साहब वाजिबा कलर दोनों ने एक जैसे का इंतकाम किया है जैसे हमलावर थे टच भी अपने जैसे को जाके गया चूसी ही मारा जल्दी कर गए जाके देखते हैं मजबूत गए पर और इस ग्रुप से निकलना आप खुला हमारे लिए मुश्किल है। जनाब का ताल्लुक बचपन से है अपने दौर के खतरनाक जाखों में जनाब का शुमार होता था। आमिर चीमा इस पॉइंट को जज करते हुए और आसिम और जज्जी के दरमियान यह मुकाबला जारी है पॉइंट हम तक पहुंचा देंगे किसी तरह इस मैच को देखते हुए चौधरी असलर साहब हौसला अफजाई के मुहत्तर में बेहद मशहूर है। हाजी मुनवर नमरदार साहब हाजी अनवर साहब भी बड़े खुशगवार मूड में इस मैच को देखते हुए डॉक्टर तलहा अंथक पारसी करते रहे मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारा मियां सुफियान मुबीन एहसन वसीम अफरीदी ये उनकी बारिशों से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया उनका भरपूर साथ दे रहे हैं जनाब चौधरी हाजी मुनवर और जनाब चौधरी हाजी अनवर साहब इस पूरे टूर्नामेंट में नौ
व्हाइट घोड़ा जी बखर युद्ध कर रही है। बखर के 29 है नैया 23 और 29 के साथ ये मुकाबला जारी है। आप देखते हैं किसको मिलता है। कल एहतियात से लाया करें मत करना क्या नाच कर दिया दोस्तों सुधारा अपना अपना ख्याल रखो दोस्तों अगर मैच अच्छा लगा तो